फाइनली दोस्तों अपने रूम का सारा काम हो चुका है, जैसा कि डोर लगाना था, टाइल्स लगानी थी, तो मैंने आप लोगों को डोर लगाया, वो तो दिखाया ही नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को रूम के बाहर जाके सब दिखा देता हूँ कि कैसा डोर लगा है और कैसा लगता है हमारा रूम अंदर से। तो चलिए शुरू कर। तो भाइयों ये वाला डोर हम लोगों ने लगाया है, जो कि मैंने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया ही था, तो आप लोग देख सकते हो कि कैसा डोर लग रहा है। तो अभी दोस्तों मैंने अपने एक ही रूम का काम करवाया है केवल अपने वीडियोस बनाने के लिए, वो तो आप लोग जानते ही होंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और चलिए दोस्तों हम लोग अपने डोर को ओपन करते हैं और यहाँ से दोस्तों हमारा रूम शुरू होता है। और टाइल्स कैसी लग रही है बताना कमेंट करके। और यहाँ पर दोस्तों अपना जो सेटअप है वो सारा लग चुका है। और यहाँ पर मैं खुद के ब्लॉग देख रहा था कि कल मैंने क्या डाला था, कौन सा ब्लॉग डाला था, कितने दिन तक डाला था। और भाइयों जिसने सब्सक्राइब नहीं कराए तो वीडियो के नीचे ऐसा सब्सक्राइब बटन होगा, लिखा होगा रेड कलर में, सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन दिखेगी। जैसे ही आप लोग दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करोगे, जैसे कि मैं अनटिक कर देता हूँ, तो आपको दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाले को सेलेक्ट कर लेना है, ताकि हमारे जो भी व्लॉग आएंगे उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती जाएगी। और अभी दोस्तों अपना जो रूम है वो काफ़ी सही लग रहा है। और दोस्तों मैंने दरवाजे को इस तरीके से चिपकाए रखने के लिए यहाँ पर एक मैग्नेट लगाया है, आप लोग देख सकते हो, जो कि भाई वो दरवाजे को ऐसे कनेक्ट करके रख सकता है। और हमें बंद करना हो तो भाई ज़ोर से खींचना पड़ता है। चलो मैं बंद करके रूम दिखा देता हूँ। ये दोस्तों मैंने इसलिए काम करवाया है क्योंकि बाहर से आवाज़ बहुत आती थी जब हम वीडियो बनाते थे, तो अभी हम लोग खुले आवाज़ के साथ वीडियो बना पाएंगे। और अभी आप लोगों को आवाज़ गूंजती हुई दिखेगी क्योंकि दोस्तों इस रूम में ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी है, इसकी वजह से ज़्यादा चीज़ें होगी तो आवाज़ नहीं गूंजेगी। अभी आप लोग अपने रूम का टूर देख लो कि कैसा अपना रूम है। वहाँ पर अपना ट्राइपॉड रखा हुआ है, अपनी बाइक चेयर जो कि काफ़ी सालों से अपने पास ही है और इसका ही मैं यूज़ करता हूँ। कभी सोचूंगा भाई पैसे वैसे होंगे तब गेमिंग चेयर लेंगे, अभी तो अपना बजट नहीं है। और अभी मैं लाइट, ये वाली लाइट चालू कर देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों मैंने मोर्टिन लगाया हुआ है क्योंकि भाई अभी डेंगू की बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारे घर में भी काफ़ी सारे लोग बीमार पड़ चुके हैं। आपकी भाभी को भी डेंगू हो चुका है भाई, तो मैंने आज मोर्टिन लाया और लगा दिया क्योंकि मच्छर ही कुछ ऐसे आ गए हैं जिससे ये बीमारियाँ फैल रही है और काफ़ी जगहों पर दोस्तों ये बीमारी फैल रही है। अभी मैं इस लाइट को ऑन कर देता हूँ, अपनी RGB लाइट को, और इस लाइट को बंद कर देता हूँ। लेकिन विंडो से भाई वो रोशनी आ रही है, लेकिन देखो कैसा लग रहा है अपना सेटअप। ज़्यादा भाई अभी मैंने लाइट इसमें लगाई हुई नहीं है, केवल एक ही ट्यूबलाइट से अभी काम चला रहा हूँ। और दूसरी लाइट तो है, उसका यूज़ दोस्तों मैं वीडियो बनाने के लिए करता हूँ, वो हमारे दूसरे रूम में है, बैक साइड पास में दोस्तों हमारा रूम है इस साइड में, वहाँ पर, जो कि अभी कुछ काम नहीं हुआ इस पर। यह तो दोस्तों मेरा सेटअप था जहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने ये डोर वोर ये सब लगवा दिया है। अब बताना कि कैसा लग रहा है अपना सेटअप, और वीडियो बनाने में भी मज़ा बहुत आएगा। चलो लाइट ऑन कर देते हैं। तो भाई आप लोगों ने देखा कि हमारा जो रूम है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा काम बाकी है। वो काम क्या है कि यहाँ पर वॉलपेपर नहीं लगा, ऊपर की साइड में भी लगाना है और ऊपर भी लगाना है, तो वो काम बाकी। इसके अलावा दोस्तों पूरे रूम का, यानी कि जो ये पूरा घर है उसका काम भी बाकी है, जो कि हम लोग बाद में करेंगे। अभी तो दोस्तों अपना जो काम था यहाँ पर वीडियो बनाने का, इसके लिए दोस्तों मैंने ये सब करा है, डोर वोर टाइल्स लगा दिए ताकि यहाँ प्रॉपर तरीके से अपना जो ऑफिस बन जाए और यहाँ पर हम लोग बिना किसी रुकावट के काम कर सकें। क्योंकि दोस्तों पहले यहाँ पर डोर नहीं लगा था तो बाहर जो भी बोलते थे वो सारी आवाज़ वीडियो में आती थी। और आप लोगों ने दोस्तों हमारे बहुत से वीडियो में ऐसा देखा ही होगा कि मेरी आवाज़ के सिवाय घर वालों की भी आवाज़ आपको सुनने को मिली होगी, इसकी वजह से दोस्तों मैंने ये सब काम करवाया है। और भाइयों इस ब्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों बाय बाय।